दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जेल के अंदर आतंक का प्लान, और वो भी कोरोना संक्रमित आतंकी के हाथों। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान ये प्लान अब बना रहा है कोरोना दौर में आतंक का। चीन के बाद दुनिया भर में अपने पैर पसार चुके कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में खुफिया जानकारी सामने आई है जिसमें बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। वो सभी पाकिस्तान की सरकार से इलाज की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका इलाज करने के बजाय उन्हें कोरोना बम बनाने की योजना बना रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोरोना संक्रमित जैश ए मोहम्मद के आतंकी इलाज के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों ने कोरोना से तड़पते आतंकवादियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से एक आतंकी अपने घर जम्मू कश्मीर में अपने पिता से फोन पर बात कर रहा है। शाहिद साहब ठीक खान सेहत छह ठीक उर्मया जू पर आज कर वाले फोन सेहत छह ठीक शाहिद साहब अबू आज अच्छा टाइम है यहाँ फोन करना आज आम फोन में टाइम के आज आम फोन करना खबर आता है उसका ठीक सेहत छह ठीक हम बाकी सेहत ही सही ठीक क्या दलील अबू वो ठीक है अलबत्त मैं सही पांच छह सही हूँ फैलने से कोरोना वायरस बीमार हम आई लारे बीमार कोशिश भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तकरीबन एक हफ्ते पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के टेरर कैंप में मौजूद आतंकी शाहिद का फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था जिसमें आतंकी शाहिद जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने पिता से बातचीत कर रहा था। बातचीत में आतंकी शाहिद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकियों के बीच कोरोना फैला हुआ है, बावजूद इसके न वहाँ दवाई मिल रही है न कोई और साधन। इतना ही नहीं, आतंकी आका इन आतंकियों को हथियार देकर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकी शाहिद ने जब अपने परिवार वालों को फोन किया तो उसने बताया कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। आतंकी ने फोन पर ये भी खुलासा किया कि यहाँ आतंकवादियों की हालत बेहद खराब है और शायद उसका ये आखिरी कॉल होगा। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि पीओके के टेरर कैंप में कई आतंकियों को कोरोना पॉजिटिव है। आतंकी संगठन इन्हीं कोरोना पॉजिटिव आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना चाहता है और उन्हें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच कोरोना इन्फेक्शन फैलाने के लिए कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उसका कोरोना बम काम नहीं करने वाला, वो जितनी साजिश कर ले उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना लॉकडाउन में भी डटी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।